लीड के वो नुमाइंदे जिनकी वजह से टेक लीड कामयाबी से मुनक्किद हुआ। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ टेक लीड के प्रेसिडेंट उमर फिरोज शेख को के वो तशरीफ लाए। इसके बाद मैं दावत देता हूँ टेक लीड की सेकेंड इम्पोर्टेंट अथॉरिटी। आप कौन? आपको बुलाया तो नहीं था लेकिन अब आप आ गए हैं तो तशरीफ रखिए। अब मैं दावत देता हूँ टेक लीड की दूसरी अहम अथॉरिटी इवेंट मैनेजर बिलावल को कि वो तशरीफ लाए। मुझे मारना मत, मुझे गालियां मत देना, मुझे मारना मत प्लीज। इसके बाद मैं दावत देता हूँ क्रिएटिव हेड नाजिश को। कैसा है भेड़ू? अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मार्केटिंग मैनेजर शाहिद शेख से कि वो तशरीफ लाए। इसके बाद मैं दावत देता हूँ मीडिया मैनेजर शहजाद अली को। और अब मैं बुलाता हूँ आज की आखिरी मेहमान डिप्टी क्रिएटिव हेड फातिमा को। आप ही तो कहती हैं कि आप सबसे आखिर में आएंगी। देखिए मेरे अपने टाइम होते हैं, मैं अपने टाइम पर अब पता है बैठूंगा कहाँ बैठूंगा। अरे अरे ये आप कहाँ बैठ रहे हैं, ये आप कहाँ बैठ रहे हैं, आप अपनी सीट पर तशरीफ रखिए। शायद शायद बैठ नहीं चाहे, ज्यादा बैनर वापस करवा कर। तो अब मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल प्रेसिडेंट शेख साहब से। शेख साहब आप ये बताइए कि इवेंट कैसा रहा? इवेंट अच्छा रहा, काफी सक्सेसफुल रहा। ये किस तरह का सवाल कर रहा है भाई, हैं? देखा नहीं था इवेंट किस तरह अरेंज कराया गया था, कितना अच्छा था, कितने स्पॉन्सर्स आए थे, कितनी मीडिया कवरेज थी, कितने लोग आए थे, और तो और कितनी बच्चियां आई थी, कितनी तफरी हुई थी। उसमें भी कैसे सवाल कर रहा है इंसान पर? अंकल मुझे बोलने दे, आई एम द प्रेसिडेंट। बस बस मुझे जवाब मिल गया जी। तो बिलावल आप ये बताइए कि इवेंट बाजाहिर तो बहुत अच्छा रहा लेकिन अंदरूनी तौर पे आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो काम तो बहुत था पर क्या कर सकते थे, सबर किया। लेकिन जब वो मैं स्पॉन्सर लेने जाता था तो वो टू इस तरह बात करते थे जैसे मैं टू कुछ हुई नहीं। लेकिन मैंने भी कह दिया कि मैं टू स्पॉन्सर लेके ही रहूंगा। तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, वही हुआ जो आन चाहता था। नागेश आप क्रिएटिव हेड थी, दौरान इवेंट हमने देखा कि यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस से लैब्स तक स्टैंडिंग्स लगी हुई थी, काफी मेहनत की थी आपने। वो तो मैंने लगवाई थी, सही से लगी हुई भी नहीं थी। सवाल मुझसे पूछा गया खान, तुम चुप नहीं रह सकते भाई? आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इतनी ज्यादा क्रिएटिव स्टैंडिंग्स लगी हुई थी और सही तरह से क्रिएटिव हेड होने का सबूत दिया है। क्यों खान? मैंने बोल दिया ना, काफी नहीं है क्या? हाँ तो अगला सवाल मेरा शहजाद से। शहजाद आप मीडिया मैनेजर थे, आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या थी? बता दूं सर? बिल्कुल बिल्कुल बता दे। अरे अरे ये कहाँ जा रहे हैं, बैठ जाओ। चले इनका जो काम था वो तो इन्होंने कर ही दिया। शाहिद साहब इससे पहले कि आप फिर कहीं जाएं, शाहिद साहब इससे पहले कि आप फिर कहीं जाएं आपसे एक सवाल। आप इस इवेंट में बहुत मशहूर हो गए, इस इवेंट में बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ और एमडी के फोन आते हैं आपके पास, इसकी क्या वजह है? क्या मतलब? हाँ तो फातिमा आपसे अगला सवाल। आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ऑर्गेनाइजर से काफी अच्छी इंटरेक्शन थी। अल्लाह माफ करे जूनियर, तौबा है,
अब देखिए ना, पहले दिन तो मुझे फातिमा बाजी का सोचे बाजी है, फिर आप करके बुलाते रहे, और इवेंट वाले दिन तो हद ही कर दी, तुम पर उतर। और जूनियर एससी स्पेशली गर्ल्स इतना फैशन करकर आई थी, कैमरे के पीछे भाग रही थी, मेरा तो आपको पता है तैयार भी नहीं होकर आई थी। माइक्रोसॉफ्ट का चेक उठा ले यार। तो फातिमा आपका फेवरेट ऑर्गेनाइजर कौन है? जी वैसे तो मैंने बहुत कम ऑर्गेनाइजर्स रखे थे जो सही तौर पर काम कर सके, मगर खैर मैं उनमें से आपको कुछ का नाम बताती हूँ, जैसे रबिया मलिक, शफक जाफरी। बस इतना बहुत है। तो अगला सवाल शेख साहब आपसे, इस इवेंट में जो चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने ये कहा था कि लेट द रेस ऑफ एक्सीलेंस बिगिन में रेस का क्या मतलब है, इसको हटाया जाए, तो आपने क्या सोचा इस बारे में? मेरी डायरी में कांटेक्ट लिखा है, मैंने नुमान भाई से भी कांटेक्ट किया और मशवरा किया, फिर हम मुत्तफिक हुए कि अगली दफा पाशा को हम चीफ गेस्ट नहीं बुलाएंगे। ये क्या बात है? बिलावल साहब आप ये बताइए कि खाने पीने का इंतजाम अच्छा नहीं था और जो ड्रिंक्स का पूरा ट्रक आया था वो कहाँ गया? वॉलंटियर्स तो इवेंट वाले दिन प्यासे घूम रहे थे। वो मेरा काम था अरेंज करवाना, मैंने करवा दिया और सब कुछ मेरी निगरानी में हुआ, सब कुछ मेरी वजह से ठीक हो रहा था। वो सब तो ठीक है लेकिन ये ड्रिंक्स गई कहाँ? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ, असल में वो ड्रिंक्स मैंने शाहिद की गाड़ी में रखा। क्या है? अच्छा चल एक काम कर यार, सुट्टा लेकर। अबे यार मैं ड्यूटी मार्केट में जाऊँ, तुम किस काम पे आ गए? अबे शायद रुक यार, ये क्या टूट लगा रखी है यार तुमने, बैठ जा यार, तू बैठ जा। चाबी बता। फातिमा आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन थी इस इवेंट में? नाज़िश से मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और किससे आपको तो पता ही है, देखा नहीं था आपने ऑडिटोरियम में हम कैसे गले मिल मिल के तस्वीरें खिंचवा रहे थे? जी फातिमा जी। शेख साहब आप ये बताइए कि ऑर्गेनाइजर्स और वॉलंटियर्स को अब तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिले? बहुत टाइम है यार, हो जाएगा, मिल जाएगा, अभी तो सेशन खत्म होने में पूरे 2 हफ्ते बाकी हैं। भाई भाई तुमने अपने नाम क्या बताया? अजीत हैडी है। देखो तुम्हारा नाम तो मौजूद है यहाँ पर, मुझे अभी जरूरी मीटिंग से जाना है, तुम्हारा काम हो जाए। अरे शेख साहब कहाँ जा रहा है? अरे शेख साहब सुनिए तो, शेख साहब सुनिए, नाज़िश आप कहाँ जा रही हैं? रोने जा रही हूँ मैं, मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं। अरे रुको। फातिमा अर्शल आप ये बताइए कि इवेंट की इतनी सारी चीजों को आपने किस तरह टैकल किया? अबे मुझसे पूछा है? अरे यहाँ तो लड़ाई शुरू हो गई है, ये तो खैर चलता ही रहेगा। मैं मेजबान काशिफ असरार, उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।